अब देखिए दोस्तों, यहाँ मैंने गूगल पे को ओपन कर दिया है। अगर गूगल पे से आपने कोई भी ऑटो पे एक्टिव कर रखा है, यानी कि एक्टिव है, आपकी किसी भी तारीख को पेमेंट ऑटो ही कट हो जाती है गूगल पे से, तो आप उस ऑटो पे को यहाँ पे बंद कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन ले रखा है, गूगल पे से मेरे ऑटो ही पेमेंट कट जाती है हर महीने की 21 तारीख को। लेकिन फ्रेंड्स, मैं चाहता हूँ ये पेमेंट ना कटे, मुझे अब सब्सक्रिप्शन नहीं चाहिए, तो मैं अपने गूगल पे से ही नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन बंद कर सकता हूँ। तो आज की वीडियो में यही बताऊँगा, गूगल पे से किसी भी ऐप का, किसी भी OTT प्लेटफॉर्म का, या आपने कोई लोन ले रखा है, उस सब का ऑटो पे कैसे बंद कर सकते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको हमारे इस चैनल पर हमेशा ही मिलेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, पूरा वीडियो देखना है, चैनल भी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक भी करना है। तो चलिए वीडियो यहाँ से आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, मैंने यहाँ गूगल पे को ओपन किया। अब देखिए यहाँ पे आपको गूगल पे का इंटरफेस दिख जाएगा। अब यहाँ पे आप ढूंढते रह जाएंगे दोस्तों, यहाँ कहीं आपको ऑटो पे कहीं नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको कहीं ऑटो पे नहीं मिलने वाला है जिससे आप यहाँ ऑटो पे बंद कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ऑटो पे ढूंढना पड़ेगा। अब ढूंढने के लिए सबसे पहले यहाँ आपका लोगो दिखेगा, देखिए ये है, इस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ आपने लोगो पे क्लिक किया, यहाँ से आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ मिलेगा नो पेंडिंग, यानी कि ऑटो पे अभी कोई पेंडिंग नहीं है, तो ऑटो पे पे आपको क्लिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास ऑटो पे है नेटफ्लिक्स का, इसका मैं यहाँ से बंद कर सकता हूँ ऑटो पे। यहाँ पे क्या करना है, अब आपको पेंडिंग में देख लेना है, पेंडिंग में नहीं है, कंप्लीट में देख लेना है। तो यहाँ देखिए नेटफ्लिक्स 199 रुपये, 199 रुपये, ये सब यहाँ पे बंद कर रखा है। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं जाता हूँ लाइव में। लाइव में जाने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ क्लिक करना है। यहाँ जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नेटफ्लिक्स का आपको दिख जाएगा, 199 फेल्ड हो गए थे, 199 कट गए, 199 कट गए। अब देखिए यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिख रहा है, यहाँ जैसे ही नीचे करेंगे यहाँ आ जाएगा कैंसल ऑटो पे, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब देखिए स्टेट बैंक से मेरे पैसे कट रहे थे, तो मैं यहाँ यस कैंसल ऑटो पे करूँगा। अब यहाँ पे मुझसे ये पिन मांगेगा, मुझे अब यहाँ पे पिन दे देनी है, तो मैं पिन दे देता हूँ यहाँ पे। अब मैंने यहाँ पे अपनी गूगल पे की पिन दे दी। अब यहाँ से राइट क्लिक दिखेगा, इस पर राइट क्लिक कर दूँगा। अब देखिए जैसे ही मैंने राइट क्लिक यहाँ से किया, कैंसिलेशन ऑटो पे यहाँ आ गया है, और यहाँ आपको दिख जाएगा ऑटो पे कैंसल्ड, यहाँ पे एंड 21 तारीख को हो जाएगा, यानी कि 21 तारीख तक मैं अपने नेटफ्लिक्स पे कुछ भी प्रोग्राम देख सकता हूँ। 21 तारीख को महीना होने वाला था, 21 तारीख को महीना हो जाएगा, उसके बाद 22 तारीख को मेरा नेटफ्लिक्स यहाँ पे नहीं चलेगा, 21 तारीख तक कंटिन्यू रहेगा। वीडियो यहीं तक था, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।